चलिए हाय दोस्तों, आपके लिए अनदर वीडियो लेके आया हूँ जो कि आज जो 21 अप्रैल है, तो आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन से डेली कैंडलस्टिक ब्रेकआउट स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में एक ब्रेकआउट स्टॉक से स्विंग ट्रेड के लिए रह सकते हैं। चलिए, जिन लोगों ने तो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की और वीडियो आपके लिए ला सकूँ। यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक से वीआरएल लॉजिस्टिक देखे थे, पिछला जो इसका हाई था इसको हाई यहाँ पे कप शेप में यहाँ पे ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ वॉल्यूम देखी तो हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे नज़र बना करके यहाँ पे एक लॉन्ग साइड जा सकते हो, और यहाँ पे इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा कि 550 तक स्टॉप लॉस रहेगा, एक थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, अच्छा सा रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। अगर आरएसआई अगर दिखा दूँ तो आरएसआई ने भी अगर देखे तो यहाँ से 60 के ऊपर जाने के ब्रेकआउट दे रहा, अभी 60 के ऊपर यहाँ पे हाई बुलिश देखने को पड़ा है। उसके बाद में 1 वीक का कैंडल अगर दिखा दूँ तो 1 वीक में अगर देखे तो वीकली भी यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखे, वीकली भी ब्रेकआउट हुआ है और आज देखे तो यहाँ पे डेली भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो वीआर लॉजिस्टिक आने वाले दिनों में एक अच्छा सा मोमेंटम कर सकते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो नेक्स्ट स्टॉक से बजाज हिंदुस्तान अगर देखें तो डेली कैंडलस्टिक में इससे ब्रेकआउट दे अच्छा खासा 20 RS के ऊपर है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पे इसका प्राइस जो है तो प्राइस बहुत कम है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो कम क्वांटिटी से आप इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पे नीचे की तरफ बाइंग भी अच्छा सा देखने को मिल रहा है। 1 वीक के चार्ट के ऊपर देखें तो 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर देखें तो क्या देखना, 1 वीक के चार्ट के ऊपर भी देखें तो यहाँ पे 18 के ऊपर है, तो क्या बुलिश साइड भी रह सकते हैं, अप साइड भी आप जा सकते हैं बजाज हिंदुस्तान में। उसके बाद में अगर नेक्स्ट स्टॉक्स अगर देखें तो खैतान इंडिया करके स्टॉक्स है, लेकिन इसमें 61 का है, 61 के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे मेरे को लिक्विडिटी शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 61 के ऊपर निकलता है, यहाँ पे आपको बाय आपको देखो मिलता है, यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट में लगता है, इसमें भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। 2018 का हाई वो ब्रेक करने जा रहा है, तो एक अच्छा सा मोमेंटम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। उसके बाद में है नेक्स्ट स्टॉक्स है एच ओ वी सर्विस अगर देखें तो यहाँ पे वीकली कैंडलस्टिक के ऊपर भी इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, देख सकते हैं जो कि 71 है, और डेली कैंडलस्टिक में अगर देखें तो एच ओ वी एस अच्छा सा यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है डेली कैंडलस्टिक पे, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। पिछला जो सेलिंग का था उसके अगर यहाँ पे बाइंग देखो तो बहुत अच्छी देख रही है, इसके ऊपर अगर आज क्लोज होता है तो यह बाई साइड जा सकते हैं, उसके लिए 60 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले दिनों में इसके लिए जो टारगेट है 90 के आसपास ही जाने की कोशिश कर सकता है। तो चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक से उत्तम शुगर अगर देखे तो इसने अच्छा से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे शुगर स्टॉक से एक अच्छा सा एक ब्रेकआउट दिया, पिछला जो स्विंग था उसको भी ब्रेक किया है, और अच्छा सा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे उत्तम शुगर में एक अच्छा सा ब्रेकआउट मतलब आने वाले दिनों में स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगला है कि ग्रेट ईस्टर्न अगर देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन कर रहा है, वो पिछला जो हाई था इसको भी ब्रेक कर रहा है, विद वॉल्यूम तो कम रख रहा है लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो इसको 365 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ऊपर की तरफ का मोमेंटम कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट रहेगा 412 और उसके बाद में रहेगा 448। तो ये जो स्टॉक्स मैंने आपको बताए, इन स्टॉक के साथ अच्छा सा ब्रेकआउट मिल रहा है, आपको इसको स्टडी कीजिए, आपके हिसाब से देखिए क्या देखने को मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में एक स्विंग ट्रेड अच्छे खासे इन स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को ज्वाइन हो सकते हैं, तरह तरह की यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह रील्स में वहाँ पे डाल देता हूँ एजुकेशन पर्पज। चलिए, थैंक यू।